आप अपने स्मार्टफोन या अपने पीसी कंप्यूटर में जितनी भी रैम काम में लेते हैं वो तो होती है नॉर्मल रैम यानी कि DDR2, 3 या 4, मगर जो ECC रैम होती है ये क्या होती है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये ECC रैम क्या होती है और ये क्या काम करती है, तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों रैम तो आपने जाने कितनी तरह देखी हुई, 2 GB, 3 GB, 8 GB, 16 GB या फिर DDR2, 3 या 4, आप बात करते हैं ये ECC रैम क्या होती है और ये कहां काम आती है। तो ECC रैम है ये जो नॉर्मल रैम होती है इससे काफी हद तक इम्प्रूव्ड यानी कि कुछ नया वर्जन है, मगर जो काम ली जाती है ये सर्वर में काम ली जाती है। तो सर्वर में कई सारे डेटा होते हैं जिन्हें बार बार एनालाइज करना पड़ता है, साथ ही साथ उन्हें स्टोर करना पड़ता है, उन्हें आगे ट्रांसफर करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर ज्यादा हाई एंड फ्रिक्वेंसी की रैम काम ली जाती है। जो ECC रैम होती है ये ज्यादा कैपेसिटी हैंडल कर सकती है क्योंकि ये कुछ ज्यादा अच्छे हार्डवेयर से मानी जाती है, इनके जो फेलियर के चांस है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। आपने अपने नॉर्मल कंप्यूटर में देखा होगा कि आप कई फीचर्स को अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, आप उन्हें कई एक या दो साल बाद देखते हैं तो उन्हें कई फोटो में कई तरह की आपको खराब नजर आती है, क्योंकि जितनी तस्वीर होती है उनमें वो कंप्यूटर में रखी होती है, उन्हें धीरे धीरे उनमें जो रैम होती है वो उन्हें बार बार एनालाइज नहीं कर पाती, उनके इमेज के जो कोड होते हैं वे करप्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने कई बार इमेज देखा हुआ कि इमेज कहीं कभी नीचे की पट्टी को व्हाइट दिखा दिया जाता है, कभी बीच में किसी का फेस नजर नहीं आ रहा है, ये नॉर्मल रैम के कारण होता है। मगर जो ECC रैम होती है ये हर पिक्चर को यानी अपने अपने क्लाउड स्टोरेज में जितनी पिक्चर अपलोड किए या फिर अपने फेसबुक मैसेंजर से या फिर किसी भी तरीके से अपने इंटरनेट पर फोटो अपलोड किए हैं तो वो फोटो आप जब ECC रैम उन्हें बार बार एनालाइज करती है, उनके कोड को मैच करती है और साथ ही साथ उन्हें स्टोर करती है, जिससे अगर कभी वो कोड करप्ट हो जाए तो उन्हें फिर से रिकॉल किया जा सकता है। इसलिए जो आपने इंटरनेट पर कभी फोटो अपलोड किया वो कभी करप्ट नहीं होती। जो ECC रैम है ये इसी के यही काम करती है, आपकी फोटो को या फिर आपने जो टेस्ट लिखा है या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन सभी इंफॉर्मेशन को ECC रैम बार बार एनालाइज करती है, उससे ये इन्हें बार बार स्टोर करती है और जो कोड करप्ट हो जाते हैं उन्हें फिर से रिकवर कर देती है। ये हाई एंड फ्रिक्वेंसी रैम होती है इसलिए ये इतने सारे काम आसानी से कर पाती है, मगर जो अपने नॉर्मल डेस्कटॉप या मोबाइल में रैम नहीं होती है वो इतनी ज़्यादा पावर की नहीं होती, इसलिए वो इतने सारे प्रोसेस एक साथ नहीं कर सकती। अगर आप ECC रैम अपने कंप्यूटर में लगाना चाहें तो टेक्निकली पॉसिबल है, मगर इससे आपके कंप्यूटर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपको स्पीड में थोड़ी स्लो मिलती है, मगर ये जो और जो जो हैवी काम है उनमें ये आसानी से काम कर सकते हैं, यानी कि जो आपके प्रोग्राम है वो कभी खराब नहीं होते। आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं या फिर फोटो एडिट कर रहे हैं तो आपको कई बार उसमें बग आ जाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर लेक करता है, मगर इसमें आपको ऐसा नहीं होता। ये होती है ECC रैम। मुझे उम्मीद आपको पता चल चुका होगा ECC रैम क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।